अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक एन डी आर एम एफ। नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये कुछ इनकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतलिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। वैकेंसी जो हमारे पास है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट की है, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। जो एजुकेशन इनको रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स की डिग्री है। अगर आपने बैचलर्स किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, एसीसी किया है या आपने बीएस किया है, इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी एक डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने इससे इक्वलेंट कोई डिप्लोमा किया तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप इसमें फुल है, आपको फुल डे काम करना पड़ेगा। जो डेडलाइन है इसकी, जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2023 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉब तो आपने 8 नवंबर से पहले अप्लाई कर लेना है। इसके अंदर जो अप्लाई का प्रोसेस है वो इसके अंदर ऑनलाइन है। फर्स्ट जो 25 एप्लीकेंट होंगे उनकी जो एप्लीकेशन होगी उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद NDRMF है। इनके जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स है। जॉब सिक्योरिटी है, कंपेटिटिव सैलरी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद डिज़ायर मैनेजमेंट है। ये आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। जो फर्स्ट आपकी CV होगी, एजुकेशन करियर सर्टिफिकेट होंगे, आपने जो डिग्री कंप्लीट की है उसका सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो नेशनल ID कार्ड है उसकी कॉपी होगी और आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, 4 पिक्चर्स होंगी। इन तमाम तर जो आपकी ये जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने अटैच कर लेना है अपनी एप्लीकेशन के साथ और आपने सेंड कर देना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सेंड कर देना है आपने। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इनकी यहाँ पर जिस आपने वेबसाइट पर सेंड करना है वो वेबसाइट आपके पास है, www.ndrmf.pk करियर। यहाँ पर आपने इनको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड कर देने हैं। सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट को बुलाया जाएगा जिनकी एप्लीकेशन, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीट होंगे, और इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ उन्हीं को आएगी। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं ट्रैवल करके, ATODA, ये आपको जो आपके एक्सपेंसेस होंगे ये उसको पे नहीं करेंगे, वो आपको ख़ुद से खर्च करने होंगे। उसके बाद कुछ इसके अंदर फर्दर और एक्सप्लेनेशन की जो ज़रूरत है वो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो है हम आपका वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो 14 ईयर्स की होनी चाहिए, 14 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इसके अंदर। इसके अंदर बिज़नेस होना, बिज़नेस के अंदर अगर आपने ये डिग्री की है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की है, फाइनेंस के अंदर की है, कॉमर्स में की है, इकोनॉमिक्स में की है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 8 नवंबर से पहले करना है। आई थिंक इसके अंदर कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तमाम तर जो डिटेल हैं मैं वो आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।